हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं एरे की दूसरी एप्लीकेशन। ठीक है, हम लोग क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एरे। जैसे हमने स्टैक को करा था, इस तरीके से हम लोग क्यू को करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्यू का एक डायग्राम दिखा देता हूँ। इसमें क्या होता है, जो फीफो पे काम करता है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये एलिमेंट पहले गया तो ये बाहर निकल गया। ठीक है, ऐसे ये सेकेंड गया तो ये बाहर निकल गया। ये फ्रंट होता है, ये बैक होता है। एंड क्यू ऑपरेशन होता है जब इसमें एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। डी क्यू क्या होता है, जब क्यू से एलिमेंट बाहर जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये मेथड्स हैं जो क्यू में यूज़ होते हैं, तो मैं इनको इनकी जो कोड है वो लिख करके दिखाते हैं। ठीक है, तो फंक्शन बनाते हैं एक क्यू। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमें जैसे निकालना है एन क्यू। तो देखो, क्यू को स्टोर करने के लिए हमें एक एरे चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, दिस डॉट लिख देंगे क्यू स्टोरेज। ठीक है, हम लोग एक एम्प्टी एरे बना देंगे। ओके, पहला ऑपरेशन हम लोग यूज करेंगे दिस डॉट एन क्यू। दिस डॉट एन क्यू इज इक्वल टू फंक्शन। ये जो तरीका होता है ना, जैसे फंक्शन बनाया, उसके अंदर दिस करा, ये कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, फंक्शन एक होता है फैक्ट्री फंक्शन। तो ये जो मेरी एडवांस जो क्रैश कोर्स है उसमें मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये जो दिस डॉट एक फंक्शन बना दिया। ओके, अब इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, दिस डॉट जो क्यू स्टोरेज है इसमें इंडेक्स पे जाएंगे, उस इंडेक्स पे उस जो एलिमेंट है उसको इंसर्ट कर देंगे। तो कोई यूज़र हमें एलिमेंट देगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स पे जाएंगे, दिस डॉट जो भी उसकी अभी करंट वैल्यू होगी उसमें वैल्यू एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे। फिर एलिमेंट इंसर्ट होने के बाद उसकी वैल्यू लेंथ एक बार प्लस हो जाएगी, तो ये फैल आता एन क्यू। अब हम करते हैं प्रिंट। तो दिस डॉट प्रिंट एक फंक्शन, तो क्या कहता है, जो सिंपल रिटर्न कर देता है जो भी है, या फिर हम पहले कंडीशन चेक कर सकते हैं। इफ प्रिंट करने से पहले, इफ दिस डॉट जो भी हमारा क्यू स्टोरेज है अगर उसकी लेंथ 0 के इक्वल है, तब तो हम ये रिटर्न कर सकते हैं क्यू इज एम्प्टी। ठीक है, अदरवाइज हम रिटर्न कर देंगे जो भी हमारा क्यू होगा, दिस डॉट क्यू स्टोरेज। ओके, ये प्रिंट का था। अब हम देखते हैं डी क्यू। तो दिस डॉट डी क्यू वो भी एक फंक्शन होगा। इसमें क्या करेंगे ना, देखो डी क्यू का मतलब कि हमें एलिमेंट्स को निकालना है। ठीक है, क्यू में से जैसे पहला जो गया वो वैल्यू निकल जानी चाहिए, जो रिमेनिंग एरे है उसके एलिमेंट्स बचने चाहिए बस क्यू में। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक पॉप एलिमेंट करेंगे। डी क्यू करने से पहले एक और कंडीशन और चेक कर लेते हैं कि भाई क्यू एम्प्टी है या, तो हम लोग यही यूज़ कर लेंगे इसके लिए, क्यू एम्प्टी है तो ठीक है। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, एक लेट जो क्यू डी क्यू का जो एलिमेंट होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट इसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यही तो पहले गया था, हम लोग डी क्यू एलिमेंट इसको नाम दे देते हैं। क्योंकि तो क्या होगा, दिस डॉट जो भी क्यू स्टोरेज है, ओके, उसका जो पहला एलिमेंट होगा, ठीक है, ये तो वही होगा क्योंकि फ्रंट में तो सबसे पहले वही गया था ना, तो 0 इंडेक्स पे जो भी होगा उसको हम इसमें डी क्यू एलिमेंट में ले लेंगे और इसी को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न डी क्यू एलिमेंट। लेकिन क्या होगा ना, देखो हमने फ्रंट वाला एलिमेंट रिटर्न कर दिया, ओके, लेकिन डी क्यू करने का मतलब ये भी है कि जो ये एलिमेंट यहाँ से निकल जाना चाहिए क्यू में से और रिमेनिंग एलिमेंट्स बचने चाहिए। इससे क्या होगा कि ये एलिमेंट बस हमने उसको निकाला नहीं है, ठीक है, क्यू में से जस्ट वो जो वैल्यू जो थी वो बस हमने देखा है कि भाई फ्रंट पे ही है। डी क्यू का ऑपरेशन क्या है कि एलिमेंट्स भी कम हो जाने चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे ना, जैसे जो पहले एलिमेंट जो बचे थे उनको हम लोग क्या करेंगे, एक शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक फोर लूप लगाएंगे। फोर लेट आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा जो कि लेंथ तक जाएगा। ओके, आई प्लस प्लस क्या करेंगे जी, कि जो डिस्टॉर्ट ये है, ये जो डिस्टॉर्ट स्टोरेज क्यू स्टोरेज है
उसके आई पे हम लोग आई प्लस वेल आई प्लस वन की वैल्यू दे देंगे, ठीक है। स्टोरेज आई प्लस वन, लास्ट में लेंथ की वैल्यू जो है उसको माइनस कर देंगे। ठीक, तो मैं इसको ना एक बार करके दिखाता हूँ इतने को, जैसे और अच्छे से क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो मैं एक अपनी क्यू बनाता हूँ, माई क्यू इज इक्वल टू न्यू। इसमें जैसे पहला फंक्शन है, अब मैं क्या करता हूँ, माई क्यू में ना जो हमने एन क्यू करके था इसमें कुछ एलिमेंट इंसर्ट कर देता हूँ, जैसे टू। मैंने चार एलिमेंट अपने इंसर्ट क्यू में डाल दिए, 10, 12। तो अगर मैं अपने क्यू को अभी देखूँ, कंसोल डॉट लॉग माई क्यू डॉट प्रिंट, प्रिंट एक फंक्शन हमने ऑलरेडी बनाया है इसमें, तो हमारे क्यू ऐसे आ गई। तो यहाँ पर आप देखो, जैसे टू दिया तो पहले टू आ गया, 3 दिया 3 आ गया, 10 दिया 10 आ गया, 12 दिया 12। अब देखो डी क्यू वाला जो फंक्शन जो था, इसमें मैंने ऐसा फोर लूप क्यों लगाया, उसकी मैं देखो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें क्या चाहिए कि भाई टू जो है हमें इसी को निकालना है, क्योंकि ये सबसे आगे है। तो इस वजह से हमने जो क्यू स्टोरेज जो था हमारा क्यू, उसमें से पहले डी को एलिमेंट ले लिया, ठीक है। अब ये टू लेने के बाद ना हमें जो थ्री है उसको आगे शिफ्ट करना है, 10 है उसको आगे शिफ्ट करना है, ऐसे 12 है उसको आगे शिफ्ट करना है, और एक वैल्यू जो है ये जो लाइन है 30 वाली, ठीक है। इसमें क्या करना है, लेंथ को माइनस भी कर देना। अब जैसे 4 थे, अब 3 होने चाहिए ना, तो इस वजह से क्या हुआ है, इसकी जो लेंथ होगी वो माइनस वाइनस, ठीक है। तो ये इसमें लॉजिक था, ये वाली जो कंडीशन है 28, ये बस ये बोलती है कि जैसे अब ये 3 है तो स्टार्टिंग की वैल्यू जो थी आई, उसमें किसकी वैल्यू आ जाना चाहिए, आई प्लस वन की वैल्यू। ऐसे इसमें किसकी वैल्यू आना चाहिए, 10 की 10 में किसकी आ जानी चाहिए, 12। तो इस तरीके से था। तो मैं एक इसका जैसे एग्जांपल देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग माई क्यू डॉट डी क्यू, ठीक है। मैंने एक एलिमेंट इसमें से निकाल दिया और मैं अब दोबारा से अपने क्यू को प्रिंट कराता हूँ, माई क्यू डॉट प्रिंट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे है। पहले क्यू थी ये, इसमें से टू हमने निकाल दिया तो बची क्यू ये, इस वजह से ऐसा लॉजिक है। अब डी क्यू हो गया तो इसमें दो तीन और बचे हैं, क्यू की लेंथ पी पर रिसेंटिंग। तो जैसे दिस डॉट क्यू लेंथ, ठीक है, क्यू लेंथ, इसमें क्या करेंगे, फंक्शन बना लेंगे जो कि क्या रिटर्न करेंगे, पहले इसमें से भी देख लेंगे, ठीक है, या वो मतलब क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर वो है तो उस केस में तो हम लोग रिटर्न कर देंगे कि क्यू इज एम्प्टी। अदरवाइज क्या करेंगे, हमें रिटर्न करना है कि जो भी लेंथ रिटर्न करनी है ना, तो क्यू स्टोरेज जो भी हमारा क्यू स्टोरेज है उसमें बेसिकली एक एरे ही है, तो उसकी लेंथ हमें मिल जाएगी, ठीक है। और क्या बचा है इसमें, पीक और इज एम्प्टी, दिस डॉट पीक, ठीक है। पीक पीक क्या करता है ना, ये फ्रंट एलिमेंट को बताता है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, अगर ये है तो ये कंडीशन भी चेक कर लेंगे दोबारा से, अदरवाइज क्या कर देंगे हम लोग, रिटर्न दिस डॉट क्यू स्टोरेज, ठीक है। जो भी स्टार्टिंग इंडेक्स होता है, देखो अभी मैंने इसका एग्जांपल जैसे टू है, बस यही तो हमें बताना पीक कौन सा। अब इस केस में 3 हो गया तो मतलब एरे के 0 इंडेक्स को बता देना है बस, और जो लास्ट बचा एम्प्टी, दिस डॉट इज एम्प्टी, क्योंकि क्या रहता है एक फंक्शन है, इसमें भी देख लेंगे। अगर वो है, अगर उसकी लेंथ 0 है तो हम बोल देंगे, मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ इस वाले पोर्शन को, तो बस यही चेक करना है कि वो क्यू एम टी है नहीं है, अदरवाइज क्या कर देंगे, रिटर्न क्यू इज नॉट एम टी, क्यू इज नॉट, हो गया हमारा क्यू का ई एम टी, ठीक है। मैं इस वजह से इज एम टी को यहाँ पर यूज करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। अब हमें जैसे माई क्यू डॉट इज एम टी, जैसे बोला क्यू इज नॉट एम टी, ठीक है। अगर उसका पीक एलिमेंट अगर हमें देखना हो, जैसे 3 आना चाहिए, कंसोल डॉट लॉग माई क्यू डॉट पीक, आ गया। तो इस तरीके से है, ठीक है।
जैसे स्टैक में करा था हमने एरे के हिसाब से, इसमें भी यहाँ पर करा है। इसमें एंकी ऑपरेशन है जिसमें क्या करते हैं हम लोग एरे में वैल्यू को इंसर्ट करते हैं और लेंथ उसको बढ़ाते जाते हैं। प्रिंट क्या करता है, जस्ट जो भी एलिमेंट एरे बना है उसमें एलिमेंट्स उसको प्रिंट कर देता है। डीक्यू में थोड़ा सा लॉजिक था। अगर हम इसकी जगह ना एक और तरीका है, अगर आपको ये ऐसा इस तरीके का नहीं चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली पहले तो ये कंडीशन तो चेक करेंगे करेंगे हम लोग एक इनबिल्ट फंक्शन भी है। तो दिस डॉट ये जो था एक शिफ्ट एक मेथड होता है, ठीक है। अगर हम इसको यूज करेंगे तो नॉर्मली जैसे चलता है, देखो पहले जैसे चल रहा है, ठीक है। टू था, टू निकल गया, थ्री बच गया, थ्री टाइम। तो आप या तो ये यूज कर सकते हो शिफ्ट, या फिर ये जो कस्टमाइज है मतलब कि विदाउट इनबिल्ड मेथड के भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। एक क्यू की लेंथ है जो लेंथ बताती है, पीक बताता है, फ्रंट एलिमेंट है, इज एम्प्टी बताता है कि क्यू एम्प्टी है या फिर नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। सो या थैंक्स अ लॉट।